हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अफ्रीका टी20 लीग की, जो कि प्रिटोरिया बनाम ईस्टर्न केप के बीच ये मैच होगा। इसमें मैं आपको लास्ट में अपनी फैंटेसी टीम भी दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जो आपको बता दूं, लास्ट 8 मिनट में टेलीग्राम पर ही आपको सारा अपडेट मिलेगा। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कमेंट इनमें आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रिटोरिया बनाम ईस्टर्न केप के बीच ये मैच होगा। इसमें 5,000 रुपये का फ्री गेम पे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 500 रुपये का फ्री गेम पे दिया जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट बात करता हूँ मैच वेन्यू की। तो दोस्तों ये मुकाबला द वंडर्स स्टेडियम जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये मुकाबला खेला जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये बैटिंग पिच है। अभी तक टोटल यहाँ 25 मैचेस प्लेड हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने 12 मैचों में जीत हासिल की और बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने 13 मैचों में जीत हासिल की। जो एवरेज स्कोर रहा है फ्रेंड्स इस पिच का, वो रहा है 170। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ की वेदर रिपोर्ट की। तो बता दूँ जो यहाँ का टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है, और जो हवा की गति रहने वाली है वो दोस्तों 6.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे स्कोर रिकॉर्ड की इस स्टेडियम की। तो बता दूँ टोटल मैचेस 25 प्लेड, बैटिंग फर्स्ट वन 12 मैचेस, बॉलिंग फर्स्ट वन 13 मैचेस। परसेंटेज की बात करूँ, बैटिंग फर्स्ट वन 48% एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 52%। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आया दोस्तों इस का, वो रहा है 170, और सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर आया वो 143 रहा है फ्रेंड। हाईएस्ट टोटल अभी तक का इस स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है, वो रहा है 260 6 विकेट के साथ, और लोवेस्ट टोटल 83 10 विकेट के साथ। हाईएस्ट ये जो यहाँ स्कोर रहा है वो 208 2 विकेट के साथ, और लोवेस्ट डिफेंडेड 118 7 विकेट के साथ फ्रेंड। नेक्स्ट बात करता हूँ प्रिटोरिया टीम की प्लेइंग 11 की। तो बता दूँ कुशल मेंडिस जो कि विकेट कीपिंग करेंगे प्रिटोरिया टीम की ओर से, फिलिप सॉल्ट, टीडी विरून, रिली रॉसो, कॉलिन इनग्राम, जिमी नीसाम, इथान बोस, सेनुरन, मेगल प्रोटियस, एनरिस नोकिया, आलदर राशिद। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि प्रिटोरिया टीम की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ ईस्टर्न केप की प्लेइंग 11 की। तो बता दूँ एडम रॉसिंगटन जो कि दोस्तों विकेट कीपिंग करेंगे ईस्टर्न केप की ओर से, टेम्बा वाउना, जॉर्डन अरवन, एडन मार्कम जो कि दोस्तों कप्तान है ईस्टर्न केप के, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्डन कॉक्स, मार्को जेंसन, ओटनेल वाटमैन, सेसंडा मांगला, रुलेफ बद्दर मर्म, ब्रेंडन क्रैश। तो दोस्तों ये देख सकते हो जो कि प्लेइंग 11 ईस्टर्न केप की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो बता दूँ प्रिटोरिया दोस्तों पिछले मुकाबले जीतती आती हुई, तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो आप जो प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो आप प्रिटोरिया के ज़्यादा प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी फैंटेसी टीम में। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर टॉस प्रेडिक्शन की। जो टॉस जीत सकता है वो दोस्तों प्रिटोरिया टॉस जीत सकता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ प्रिटोरिया बनाम ईस्टर्न केप हेड टू हेड मुकाबले की। तो बता दूँ दोस्तों प्रिटोरिया जो कि 2 मुकाबला जीता है, ईस्टर्न केप एक भी मुकाबला नहीं जीता फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों प्रिटोरिया के कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। रिली रॉसो जो कि 331 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। टीडी विरून जो कि 338 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिलिप सॉल्ट जो कि 422 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, अपनी ड्रीम टीम में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं प्लेइंग 11 में। इथान बोस जो कि दोस्तों 573 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको एज अ ड्रीम में अपनी टीम में ले सकते हैं फ्रेंड्स। एनरिस नोकिया जो कि दोस्तों 628 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप अपनी ड्रीम टीम में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जिमी नीसम जो कि 679 पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ ईस्टर्न केप के कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सिलेक्ट करिए दोस्तों। ट्रिस्टन स्टब्स जो कि 316 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको फैंटेसी टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एडम रॉसिंगटन जो कि 347 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। गंडा मांगला जो कि दोस्तों 388 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको ड्रीम 11 टीम में अपनी जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मार्को जेंसन जो कि 481 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। आरविदर मर्व जो कि दोस्तों 611 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको ड्रीम 11 टीम में अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एडन मार्कम जो कि 825 पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको फैंटेसी टीम में अपनी जरूर सिलेक्ट करिए दोस्तों।
नेक्स्ट बात करता हूँ दोनों टीमों कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों एज माई चॉइस तो आपको बता दूँ टीडी वरुण जो कि 338 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड फिलिप सॉन जो कि 422 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको एज अ वाइस कैप्टन जीएल में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इथान बोस जो कि 573 अभी तक फैंटेसी पॉइंट इन्होंने हासिल किए हैं, तो एज अ कैप्टन आप इनको स्मॉल लीग में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आरविदर मर्ब जो कि 611 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको ड्रीम टीम में एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिमी नीसम जो कि 689 पॉइंट्स के साथ हैं, एज अ कैप्टन आप जीएल में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एडन मार्कम जो कि दोस्तों बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, आप इनको एज अ कैप्टन स्मॉल लीग और जीएल में दोनों में सिलेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक फैंटेसी में 825 पॉइंट हासिल किए हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स अपनी फैंटेसी टीम की, तो बता दूँ दोस्तों मेरी फैंटेसी टीम आप देख सकते हो, मैंने विकेट कीपर में कुशल मेंडिस और फिलिप सॉल्ट को सिलेक्ट किया है। फ्रेंड्स बैट्समैन में आर रोसो टी स्टप टेम्बा वाउमा को दोस्तों तीन बैट्समैन अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किए हैं। फ्रेंड्स ऑलराउंडर में मैंने जेम्स नीसम मार्को जेंसन आयडन मार्कम को दोस्तों तीन ऑलराउंडर अपनी फैंटेसी टीम में मैंने सिलेक्ट किए हैं। फ्रेंड्स बॉलर में मैंने आरवी दर्मर हेनरिच नोकिया ई बॉस को दोस्तों तीन बॉलर अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किए हैं, आप भी ये 11 प्लेयर दोस्तों अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात बता दूं आपको, जो भी अपडेट होगा वो आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो अभी तक भी आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट पिन में आपको लिंक मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूंगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।